एनटीवी टाइम, जनता की बात, जनता के साथ। जसपुर जिले में डेंगू के कहर के बीच जिला चिकित्सालय में दो साल से हमरलेप में डेंगू संक्रमित मरीज का इलाज जांच नहीं होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले में करोड़ों रुपए की लागत से स्थापित हमरलेप और वायरोलॉजी लैब में एलाइजा से मरीज का खून जांच कर डेंगू की पहचान करने की सुविधा नहीं है। लैब में लाखों रुपए की रखी मशीन का लाभ भी नहीं मिल पा रहा। टेस्ट किट उपलब्ध नहीं होने से ब्लड का सैंपल को जांच के लिए अंबिकापुर भेजना पड़ता है। जिला चिकित्सालय से मिली जानकारी के मुताबिक जसपुर जिले में अब तक डेंगू के कुल 28 मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें जसपुर शहरी क्षेत्र में केवल 8 मरीजों की पुष्टि हुई तथा 20 मरीजों का ट्रेवल हिस्ट्री अन्य जिलों का पाया गया है। जिले में डेंगू बीमारी से पीड़ित मरीजों की मृत्यु अब तक नहीं हुई है। डेंगू समेत अन्य वायरल से संबंधित मरीजों के लिए जिला अस्पताल में वायरोलॉजी लैब सहित डेंगू संक्रमितों के लिए एक आइसोलेशन वार्ड बना है, पर एक भी मरीज को भर्ती नहीं किया गया। इस वजह से मरीज दूसरे शहर इलाज के लिए चले जाते हैं। वायरोलॉजी लैब में किट नहीं होने का कारण बाहर से परिणाम आने में समय लग जाता है। इस बीच मरीजों की जान भगवान भरोसे ही होती है। इस तरह गंभीर बीमारियों की जांच के लिए सरकार ने वायरोलॉजी लैब की सुविधा भी उपलब्ध कराई है, लेकिन डूडक काचूरा में निर्मित इस लैब में करोड़ों राशि खर्च करने के बाद भी जिले में एनालाइजा टेस्ट की व्यवस्था नहीं होना चिंता का विषय है। जिले की अधिकांश आबादी निम्न आय वर्ग से आती है, जो दूसरे शहर में जाकर टेस्ट और उपचार कराने में सक्षम नहीं। वायरोलॉजी लैब में किट नहीं होने से मशीनें ठप्प पड़ी है। वायरल संक्रमण से जुड़े सभी टेस्ट का मशीन रखी गई है, लेकिन किट एवं माइक्रोबायोलॉजी डॉक्टर नहीं होने से लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही। फिलहाल इस लैब में देखरेख के लिए दो स्टाफों की तैनाती की गई ताकि मशीन की खराबी न हो पाए। स्वीपर का कहना है कि डूड काचोरा में स्थापित वायरोलॉजी लैब में चूहे का आतंक होने से मशीनों को चूहे कुतर रहे। ऐसे ही हालात रहा तो भविष्य में लाखों की मशीन खराब हो जाएगी। लैब टेक्नीशियन मेगा यादव का कहना है कि वायरोलॉजी लैब में लाखों की अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध है, लेकिन एलाइजर किट नहीं होने के कारण सैंपल को अंबिकापुर भेजा जा रहा है। इस मामले में सीएमएचओ जीएस जात्रा ने बताया कि जिले में डेंगू के केस मिलने पर विभाग आसपास के इलाकों में सर्वे करा रहा है। जिले में 28 केस एक्टिव मिले हैं। डेंगू से अब तक मौत की पुष्टि नहीं हुई, इसकी जांच कराई जा रही है। वहीं वायरोलॉजी लैब में माइक्रोबायोलॉजी डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन व किट के लिए शासन को पत्र लिखा गया, जल्द उसे शुरू किया जाएगा। जसपुर से अजीत गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे पास पूरे जिले में 20 केसेस हैं, 28 केसेस हैं, जिसमें से जो 8 केसेस हैं हमारे यहाँ जिले में ही इन्फेक्ट हुए हैं, और जो 20 केसेस हैं वो जो है अदर स्टेट में, जैसे कोई रायपुर से इन्फेक्ट हुआ है और रायपुर में ही रह रहा है, वहीं ट्रीटमेंट किए हैं, रांची में किए हैं, इस टाइप का है, वहीं से ही इन्फेक्शन मोस्टली हो करके आए हैं। सर, उसके रोकथाम के लिए क्या उपाय करें? रोकथाम के हमको फॉगिंग करना पड़ता है, जहाँ हमारे शहरी क्षेत्र में तो फॉगिंग करना पड़ता है और स्पेशल सर्वे करना पड़ता है। ये वायरल इन्फेक्शन होता है और इस वायरल इन्फेक्शन में प्लेटलेट्स कम होते हैं, और प्लेटलेट अगर हमारा जो केसेस हैं, अगर प्लेटलेट बहुत ज़्यादा डाउन है तो हमको हायर सेंटर में प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न के लिए भेजना भी पड़ता है। हमारे पास डेंगू टेस्ट हो रहा है, पर रैपिड किट्स के द्वारा टेस्ट हो रहा है। उसका रैपिड किट होता है डेंगू का, और जो पॉजिटिव सैंपल होते हैं, मान लीजिए कोई भी सैंपल पॉजिटिव आ जाता है, तो उसको हम मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर भेजते हैं, वहाँ से टेस्ट होकर हमारे पास आता है। क्योंकि हमारे पास पहले वायरल लोड का काम होता था, वायरल लोड का काम होता था, COVID-19 टेस्ट होता था, उसमें हम लोग सॉफ्टवेयर डलवा रहे हैं और शासन को आगे लिखे भी हैं कि हमारे पास माइक्रोबायोलॉजिस्ट एक डॉक्टर की भी आवश्यकता पड़ेगी, और हमारे टेक्नीशियन को भी हम लोग एक्सपर्ट करेंगे, ट्रेनिंग में भेजेंगे, मेडिकल कॉलेज भेजेंगे और रायपुर भी भेजेंगे, जिससे हमारा प्रोसेस में है ये, और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द जल्द हमारे यहाँ भी टेस्ट शुरू हो जाए। एक्चुअली ये मेडिकल कॉलेज लेवल में ही टेस्ट होता है एलाइजा जो वायरल लोड का है। सर, यहाँ पे डेंगू के कितने मरीज होंगे अभी तक? खोलते हैं और 2:15 बजे बंद करते हैं, और यहाँ पे साफ सफाई जैसे हर रोज होता है, और चूहा का बहुत ज्यादा वो है यहाँ पे, तो मशीन उशीन कुछ उतार उर काट दिया करके हम लोग साफ सफाई में ज्यादा ही ध्यान देते हैं। चूहा से क्या परेशानी? तार उर सब को काट देता है, तो जितने भी मशीन है ये सब नहीं देखने से तो चूहा काटेगा ही। मैं यहाँ के रोज दिन साफ सफाई करती हूँ 8 बजे से, फिर हम लोग 2:15 बजे निकल जाते हैं यहाँ से।
प्रशांतिक का।